करिश्मा तन्ना पर्लवी पुरी को सपोर्ट करते हुए नजर आई और उन्होंने इंस्टाग्राम पर पर्लवी पुरी के सपोर्ट पर एक पोस्ट साझा किया। वहीं करिश्मा तन्ना और पर्लवी पुरी ने अपनी राहें अलग कर ली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे इन लव बर्ड्स ने उन दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने इसलिए रिश्ता खत्म किया क्योंकि बात कमिटमेंट पर आ गई थी। कहा जा रहा है कि करिश्मा जल्द से जल्द शादी के बंधन में बनना चाहती हैं, लेकिन पर्ल का कहना था कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इस वजह से आखिर में दोनों अलग होने की नौबत आ गई। आमतौर पर इसमें करियर पर फोकस करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेज की रिलेशनशिप को और समय देने की सोचना, व्यक्ति का शादी का डिसीजन लेने से पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने का सोचना, एक दूसरे को और समझने के लिए समय देना जैसे कारण शामिल होते हैं। वहीं आपको बता दें, कुछ मामलों में कपल लंबे समय तक डेट तो कर रहे हैं लेकिन वो मानते हैं कि अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकेंगे। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां परिवार आड़े आ जाता है, लेकिन करिश्मा तन्ना और पल्लवी पुरी का ये मामला है कि दोनों रिलेशनशिप में तो खुश हैं, लेकिन अब करिश्मा तन्ना शादी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, और जब वहां पर उन्होंने पल्लवी पुरी से शादी की बात कही तो पल्लवी पुरी ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आर्थिक रूप से अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अपना घर बसा सकूं। और इसी के साथ आपको बता दें, करिश्मा तन्ना ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया था कि वो ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी है, लेकिन वो कोई भी ग्रजेस नहीं रखना चाहती है क्योंकि ये पल्लवी पुरी का डिसीजन है और वो अकेले अपना डिसीजन उन पर नहीं थोप सकती है। इसी के साथ जितनी हर्ट है करिश्मा तन्ना उसका भी उन्होंने खुलासा किया, लेकिन पल्लवी पुरी का शादी ना करने का रीज़न सिर्फ यही सामने आया कि उनका करियर नहीं बना। पल्लवी पुरी ने कहा, मैं करिश्मा तन्ना की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस चीज़ को मैं संभाल ही नहीं सकता उस चीज़ का फैसला मैं जल्दबाजी में कैसे सकता हूं। इसी के साथ अभी भी पल्लवी पुरी जेल की हिरासत में है और 14 दिनों बाद उनको बेल होगी। और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट, और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।